मेरे चैनल पर आपको दिल से स्वागत है, दिमाग से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ेंगे मैथ, क्लास 9 का मैथ है, एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज 2.3। इसमें हम लोग भागा देखेंगे, भागा हम लोग भागा पढ़े हैं, लेकिन ये दूसरे टाइप का भागा है। देखिए, तो इसके पहले क्या करते हैं, एक कॉमेडी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है और फनी क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जवाब दीजिएगा। कौन सा ऐसी जगह है जहां जाते हैं 100 लोग लेकिन वापस आते हैं 101 लोग? सोचिए, कौन सा ऐसी जगह है जहां जाते हैं 100 लोग लेकिन वापस आते हैं 101 लोग? चलिए जवाब दे देते हैं हम, शायद आपका मन में आता होगा जवाब, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो वो है जगह बरात वाली जगह। कौन सी जगह है? बरात वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल क्या होता है? इसमें हमारे 2 से हम भागा दे रहे हैं 10 में, तो जो यहाँ आएगा ये शेषफल क्या आएगा? ये शेषफल होता है। तो देखिए, इससे भागा देना हमको इसमें है, तो भागा दीजिए। ए प्लस 1 से भागा देना है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पर क्या कितना से गुणा करेंगे कि इतना आएगा? हमको देखना है ये एक्स क्यू, तो एक्स क्यू लाने के लिए हम इसमें गुणा करते हैं, तो कितना से गुणा करेंगे कि एक्स क्यू आएगा? दिमाग लगाइए, जैसे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स है, तो यदि एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक्स क्यू आ जाएगा, आएगा। तो देखिए, एक्स को हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, एक्स प्लस 1 को हम गुणा कर रहे हैं कितना से? एक्स स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं, तो गुणा एक्स और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर आएगा ये। तो यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब हम लोग जब इसको भागा देते हैं तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, चीज चेंज हो जाता है, तो यहाँ घट गया। क्या बात हुआ? यहाँ देखिए, 3 है, यहाँ क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको उतार देंगे, 3x प्लस 1, हम लोग क्या करते थे? हम लोग करते थे भागा में कि 1 का अंश होता, लेकिन इसमें सभी उतार देंगे। अब हमारा ये इसके साथ लेके चलेंगे, इसके साथ, क्योंकि ये तो घटा सो है, फिर ये उतारे, अब इसके साथ चलेंगे, फिर नेक्स्ट के साथ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमको 2x स्क्वायर लाना है, तो इसमें से कितना से गुणा करेंगे कि 2x स्क्वायर आएगा? यहाँ 2 से गुणा करेंगे, मान लीजिए प्लस यहाँ है तो प्लस 2 से गुणा करेंगे 2x आएगा, तो x स्क्वायर लाने के लिए 2x से गुणा करेंगे, तो 2x गुणा करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब 2x को गुणा करेंगे 1 के साथ, यहाँ प्लस है तो प्लस 2x आ जाएगा। इसको क्या करेंगे? चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, क्यों? यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ बचा कितना? देखिए, 3 में 2 घटाएंगे तो ये क्या आएगा? मतलब एक्स आएगा, अब प्लस 1 है, प्लस 1। अब यहाँ देखिए, प्लस 1 एक्स प्लस 1 यहाँ भी, एक्स प्लस 1 यहाँ भी, तो हम कितना से गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे, 1 से, 1 से, तो यही आएगा एक्स प्लस 1। यहाँ पर तिरछा क्या करेंगे, मतलब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो क्या कट गया? तो 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेषफल, शेषफल क्या हो जाएगा? 0, यही आंसर होगा। शेषफल क्या होगा? 0, ये आंसर। तो ये हो गया पहला का पहला। अब बनाते हैं दूसरा, पहला का दूसरा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए और बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजाइए। 1/2 से भागा देंगे इसमें, भागा दीजिए, यहाँ से काम करते हैं क्योंकि लंबा जाएगा ये, तो एक्स माइनस 1/2 से भागा देंगे एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा टफ है, इसको आराम से बनाएंगे। यहाँ देखिए, एक्स माइनस 1/2 है ना, तो इसको कितना से गुणा करेंगे कि एक्स क्यू आएगा? पहले एक्स क्यू हमको नजर दिखाना है, तो क्या हो जाएगा? पहले हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे इसमें, तब एक्स क्यू आएगा, तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यू आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ क्या है? प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे 1/2 के साथ, मैंने 1/2 के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर से गुणा, तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्या होगा? एक्स स्क्वायर 2। अब यहाँ क्या करते हैं? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस देते हैं, है ना, यहाँ आपका चेंज करते हैं, तो ई आर कट गया, और माइनस है तो यहाँ प्लस देते हैं, चेंज चेंज हो गया। अब ये उतरेगा क्या? यहाँ देखिए, थोड़ा सा टफ है, तो यहाँ बचा क्या? 3x है, यहीं बनाते हैं 3x स्क्वायर, ये बचा, इसमें इसमें जोड़ना है हमको, तो 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या है, इसको 1/2 करते हैं, प्लस ये प्लस का चीज है, तो यहाँ एक से स्क्वायर 2, मतलब ये भिन्न का जोड़ बन गया, हम यहीं पर बना रहे हैं, ठीक है,
यदि इसको हम इधर रफ करेंगे तो डैट लिख सकते हैं। तो आपको हम समझाने के दृष्टि से यही बना दे रहे हैं, यही उत्तम निकालेंगे क्या आएगा, दो आएगा। तो एक दो बार जाएगा तो कितना जाएगा, छः द्वितीया छः एक स्क्वायर प्लस दो एकम दो तो एक से स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा सात छः, यहाँ एक छिपा हुआ है तो सेवन, एक से स्क्वायर एक से एक जोड़ेंगे तो एक से स्क्वायर बटा दो है ना। अब इसका इसको सॉल्व किए, ये मैंने घटाने जो यहाँ भिन्न कर जोड़ा है इसको क्लियर किए हम, तो आया सात एक से स्क्वायर बटा दो। अब क्या उतारेंगे, ये उतारेंगे प्लस थ्री एक्स और प्लस वन। अब हमारा काम करना है ये दोनों के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इसमें इसमें कितना से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो कितना से गुना करेंगे, यहाँ देखिए कि दो लाना है हमको, यहाँ नीचे दो है और यहाँ सात है, तो यहाँ देखिए एक से है, एक से यहाँ है ना, तो यहाँ क्या करेंगे सात बटा दो एक से गुना करेंगे, सात बटा दो एक से के साथ। कैसे करेंगे गुना, क्योंकि एक से को हम गुना करेंगे सात एक से, तो सात एक से स्क्वायर आएगा, बटा में दो है तो दो तो आ ही जाएगा, आ रहा है समझ में आ रहा है। अब एक से स्क्वायर बटा दो आएगा, आए प्लस है माइनस, तो प्लस में माइनस हो जाएगा, तो इसको गुना कीजिए एक को सात एक के साथ, तो क्या होगा सात एक्स हो जाएगा, सात एक्स और दो दूनी चार हो जाएगा, नीचे नीचे गुना होगा ना तो दो दूनी चार। अब इसको क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे, तो यहाँ यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो कट गया ही कट गया। अब बचा यहाँ क्या, देखिए थ्री एक्स बचा, थ्री एक्स इसको नहीं, इसको अभी छोड़ देंगे क्योंकि नेक्स्ट में जाएगा, थ्री एक्स बचा। अब यहाँ देखिए थ्री एक्स और यहाँ क्या होता है प्लस सात एक्स बटा चार, ठीक है। हम आगे ऊपर बनाते हैं क्योंकि हो सकता है कि नीचे आपको नहीं दिखे, चलिए बनाते हैं फिर इसी को उतारते हैं यहाँ पर, यहाँ सॉल्व करेंगे थ्री एक का चार करोगे तो कितना आएगा, चार आएगा, तो एक चार बजा आएगा तो चार से ऊपर गुना करेंगे, चार या बारह एक्स प्लस चार एकम चार तो सात एक्स आएगा, इसको जोड़ेंगे तो बारह सात उन्नीस हो जाएगा, उन्नीस एक्स बटा चार ये आया। अब प्लस यहाँ क्या एक है, एक उतारेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसमें कितना से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, ठीक है, यहाँ एक्स है ना, तो उन्नीस बटा चार को गुना करेंगे एक एक्स के साथ, उन्नीस बटा चार आ जाएगा तो पहले ही, तो उन्नीस बटा चार को गुना करेंगे हम एक्स के साथ तो उन्नीस एक्स बटा चार आ जाएगा, फिर ये माइनस है तो माइनस देंगे, और उन्नीस बटा चार को गुना करेंगे एक बटा दो के साथ तो उन्नीस बटा चार दूनी आठ हो जाएगा। अब इसको तीन को चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये तो आ गया प्लस माइनस में, ये कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपको अब एक है, क्या बच्चा एक है, और यहाँ प्लस उन्नीस बटा आठ, ये तो उन्नीस बटा आठ, इसका भिन्न का जोड़ निकलेगा, ये एक प्लस उन्नीस बटा आठ, भिन्न का जोड़ निकालते हैं यहाँ पे, तो एक और आठ का लघुत्तम निकालेंगे कितना आएगा, आठ आएगा, आठ आएगा, और एक आठ बढ़ जाएगा तो यहाँ आठ हो जाएगा, प्लस आठ एक बढ़ जाएगा तो उन्नीस एक उन्नीस तो क्या आएगा सत्ताईस बटा आठ, तो ये आंसर हो जाएगा, इनमें शेषफल है शेषफल। तो विद्यार्थियों कैसा लगा, तो टफ है लेकिन अच्छा से समझाने की कोशिश किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन, एक से हम डिवाइड करेंगे, एक से डिवाइड करेंगे, एक से क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो एक्स को हम कितना से गुना करेंगे, एक से क्यू आ जाएगा, एक से स्क्वायर से गुना करेंगे तब ना एक्स क्यू आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे कट जाएगा, बस यहाँ उतारेंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो आप इसको देखेंगे यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर हमको लाना है, यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर इसमें कितना गुना करेंगे तो प्लस थ्री एक्स से गुना करेंगे तब एक से एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस करेंगे कट जाएगा, बचा क्या थ्री एक्स प्लस वन। अब देखिए यहाँ पर थ्री एक्स लाना है हमको तो थ्री से गुना करेंगे, कितना से करेंगे थ्री से, तब ना थ्री एक्स आएगा, इसको देख के हमको गुना करना है तो थ्री एक्स आ जाएगा, यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस कट जाएगा, ये आएगा जी एक, तो एक जो आया अब तो जाएगा ही नहीं, ये हो गया शेष फल, ये आंसर, ठीक। देखिए एक्स प्लस पाई, एक्स प्लस पाई से भागा देना है इसमें, तो यहाँ देते हैं एक्स प्लस पाई से डिवाइड करते हैं एक से क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ ध्यान देना है, यहाँ एक्स क्यू लाना है तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स के साथ एक्स क्यू आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू आ जाएगा, अब फिर एक्स स्क्वायर को हम पाई से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर पाई, तो पाई एक्स स्क्वायर एक ही बात है ना। अब इसको प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, तीन बदल जाता है कट गया ही। अब यहाँ बचा क्या थ्री एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है माइनस माइनस एक्स स्क्वायर पाई, देखिए ये थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ है और माइनस एक्स स्क्वायर पाई, अभी इसी को लिखें अभी उतारना ही बाकी है,
ठीक है, अब इसको काम कर लेते हैं तब उतारते हैं, इसको उतारते हैं, एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसको क्या करते हैं कॉमन निकालते हैं, तो एक से स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा क्या थ्री, यहाँ थ्री बचा यानी क्या बचा माइनस है, माइनस देंगे पाई बचा, यहाँ समझे, देखिए एक्स स्क्वायर को हम तीन से गुना करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर को पाई से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर पाई आ गया ये। अब यहाँ देखेंगे, अब उतारेंगे इसको प्लस थ्री एक्स प्लस वन, तो ये जो हिसाब हुआ इसी से घटाने के बाद ही निकला। अब ये यहाँ उतारे, अब इतना के अनुसार हम चलेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि को एक्स स्क्वायर लाना है, तो एक्स यहाँ एक्स है तो प्लस यहाँ है तो प्लस करेंगे, एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ गुना करेंगे थ्री माइनस पाई, मतलब हम इतना से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, कैसे आएगा देखेंगे, एक्स को एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आया, और उसका फिर ये गुना करेंगे तो यही कॉमन में निकलेगा थ्री माइनस पाई। यहाँ पहले समझिए कि एक्स को हम एक्स से गुना किए एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये चीज़ यहाँ लिखने के बाद क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको कॉमन तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्लस, अब ये गुना किए इसके साथ हुआ, अब फिर पाई के साथ गुना करेंगे, पाई के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा पाई एक्स आ जाएगा, पाई एक्स हो जाएगा, या देखिए पाई को गुना करें एक एक्स के साथ पाई एक्स आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट में क्या है थ्री माइनस पाई, मतलब हम सिर्फ इसके साथ गुना कर रहे हैं और फिर इसको तोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट इसके साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको हम बनाते हैं, ऐसे देते हैं, अब घटाते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया, इसको काट दिए। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या बचा प्लस, क्या थ्री एक्स प्लस वन, यहाँ उतारते हैं थ्री एक्स प्लस वन, अब यहाँ क्या है माइनस है, माइनस यहाँ माइनस है, माइनस एक्स पाई, क्या है एक्स पाई को थ्री से गुना करेंगे, इसको गुना करते हैं एक्स पाई को थ्री से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स पाई, अच्छा पाई एक्स एक ही बात है तो एक्स पाई अच्छा कर देते हैं, और माइनस है यहाँ क्या माइनस है तो माइनस में क्या होता है प्लस हो जाएगा, और पाई को पाई से गुना करेंगे तो पाई स्क्वायर और एक्स हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम सदाक लिखते हैं, सदाक कैसे लिखेंगे कि जो जितना घात जिसका अधिक होता है उसको पहले लिखते हैं, इसको बना रहे हैं पे तो एक्स पाई स्क्वायर एक्स है, इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे माइनस थ्री एक्स पाई, और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे थ्री एक्स प्लस वन, ये सदाक यहाँ पर, यहाँ पर कितना से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स है, कॉमन निकालते हैं, एक्स का कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा पाई स्क्वायर माइनस एक्स निकलेगा, तो थ्री पाई प्लस एक्स निकल गया थ्री, और ब्रैकेट को बंद कर दें एक, एक्स को गुना करेंगे साथ इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पे कि इसमें से कितना से भागा देंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस, प्लस क्या है एक्स यहाँ है ना, तो एक्स से तो ये एक्स है लेकिन पाई ये पाई स्क्वायर माइनस थ्री है, पाई प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस थ्री से यदि हम इसमें गुना करते हैं तो इतना आ जाएगा, आएगा ये यहाँ लिखेंगे पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस थ्री इतना आएगा, अब प्लस यहाँ क्या है प्लस है प्लस, फिर पाई को गुना करेंगे हम, पाई को गुना करेंगे पाई स्क्वायर के साथ है ना, तो क्या हो जाएगा पाई क्यू हो जाएगा, फिर पाई को गुना करेंगे थ्री एक्स के साथ माइनस थ्री एक्स पाई से पाई एक्स हो जाएगा, और फिर पाई गुना करेंगे थ्री के साथ तो क्या होगा प्लस थ्री पाई, ठीक है। यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस थ्री तो थ्री पाई, यहाँ थ्री पाई हो जाएगा, ठीक है थ्री पाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा थ्री यहाँ एक्स नहीं होगा थ्री पाई स्क्वायर, क्योंकि थ्री पाई को गुणा करेंगे पाई के साथ थ्री पाई स्क्वायर हो जाएगा और प्लस थ्री पाई, ठीक है यहाँ आया। अब इसको चेंज करेंगे, इसको प्लस है तो माइनस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, और ये प्लस है तो माइनस करेंगे, ये कट गया तो बचा क्या यहाँ वन बचा, देखिए वन बचा यहाँ पे, उसके बाद माइनस है तो माइनस पाई क्यू प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई, इसको सजा देंगे नीचे लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ ऊपर लिखते हैं सजा देंगे इसको, तो पहले क्या लिखेंगे जिसका घात बड़ा है तो क्या माइनस है तो माइनस पाई क्यू प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन, ये आंसर हुआ ये से। पांचवा है पांच प्लस टू एक्स से डिवाइड करना है, तो इसको हम सजा कैसे लिख सकते हैं टू एक्स प्लस पांच, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे भागा देंगे इससे भागा देंगे इसमें, तो टू एक्स प्लस पाँच से डिवाइड करेंगे एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन,
अब देखिए यहाँ पर 2x है, 2x है, हमको लाना है एक्स क्यू लाना है। एक्स क्यू कैसे आएगा आप ध्यान दीजिए, एक्स क्यू कैसे आएगा जबकि यहाँ 2 है, 2 हटाना पड़ेगा। तो मान लीजिए 2 यहाँ रहेगा और 2 यहाँ रहेगा, भागा देंगे 2 से तो 2 तो कट गया, तो सबसे पहले भागा स्थिति में हमको बढ़ाना पड़ेगा 2। और यहाँ क्या है, हम एक्स क्यू है तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पहले समझिए इसको कैसे किए कि यहाँ 2x है ना, तो 2x मान लीजिए 2x गुना करेंगे तो इसको इसको क्या करेंगे कट गया, तो एक से एक से गुना करेंगे तो एक्स क्यों आ जाएगा ना, एक से क्यों आ जाएगा। तो हमको यहाँ देना पड़ेगा कितना से 2x स्क्वायर बटा 2 से हम इसमें गुना करेंगे तब एक्स क्यों आएगा। कैसे यहाँ देखिए, यहाँ समझाएं कि 2x यहाँ है, 2x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर बटा 2, तो 2 2 कट गया तो एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यों आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा एक्स क्यू हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 को हम 5 से गुना करते हैं तो स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना करेंगे 5 से तो 5x स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे कर सकते, चीज चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बच रहा है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर यहाँ क्या है माइनस 5x स्क्वायर बटा 2 यही बना रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि ये क्या होगा, भिन्न का जोड़ हो गया। अब इनको भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो 2 आएगा, 1 का 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आता है। अब 1 2 बार जाएगा तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 एकम 2 तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, जो 1 लिखा नहीं जाता छिपा रहता है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे बटा 2 बटा 2 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3x प्लस 1, इसको उतारेंगे प्लस 3x प्लस 1। अब हमको ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर बटा 2 लाना है, इसमें कितना से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा 2 आएगा। तो दिमाग लगाइए, तो यहाँ देखिए 2 लाना है, हमको क्या लाना है 2, तो हम यहाँ बटा में 4 लिखेंगे तब 2 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा। देखेंगे कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे है ना x बटा 4 से हम इसमें गुना करेंगे, यहाँ देखिए x बटा 4 से गुना कर रहे हैं 2x में, तो ये 2 दूनी 4 कट गया, तो x गुना करेंगे x स्क्वायर बटा 2 आया, x स्क्वायर बटा 2 आ जा रहा है, तो हम क्या कितना से इसमें गुना करेंगे x बटा 4 से, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पर आया ना x स्क्वायर बटा 2 आ गया। फिर x बटा 4 को गुना करेंगे 5 के साथ, तो ऊपर ऊपर गुना होगा तो 5x हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा 5x बटा 4। अब इसको क्या करते हैं, प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस से कट किया, कट गया। अब बचा क्या, इधर बनाते हैं ताकि आपको दिखेगा यहाँ क्या बचा कि 3x, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 1 और नीचे है माइनस 3x प्लस 1, अभी 1 अभी छोड़ देते हैं, तो 3x बटा है ना भिन्न का घटाव निकलेगा, तो 3x बटा 1 प्लस ये उतारेंगे 5x बटा 4, ठीक है। हमको ये इसके साथ में काम कर रहे हैं, ये तो नेक्स्ट बार काम करेंगे। इसको भिन्न का जोड़ हुआ तो क्या हो जाएगा, जोड़ हुआ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, भिन्न का घटा हुआ तो 1 का 4 का लघुत्तम तो निकालेंगे तो 4 आएगा, तो 1 4 हो जाएगा, 4 से 12 हो जाएगा, और ये 4 एकम 4 तो 5x हो जाएगा, इसको करेंगे 12x हो जाएगा, तो 12 में 5 घटाएंगे तो 7x हो जाएगा बटा 4, क्या आएगा 7x बटा 4। यहाँ क्या फिर उतारेंगे 1 उतारेंगे प्लस 1, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन को हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे, ठीक है 7x बटा 4 प्लस 1, मतलब यहाँ बना रहे नीचे नहीं दिखेगा इसलिए हम उधर बना दे रहे हैं। अब यहाँ दिमाग लगाइए कि 7x हमको लाना है, 7x इसमें कितना गुना करेंगे, 7x 8 4 आएगा तो ये 4 है तो यहाँ 8 से गुना करेंगे, नीचे 8 हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर लिखेंगे 7, क्योंकि 7 को गुना करेंगे 2 से, 7 बटा 8 है यहाँ, 7 बटा 8 गुना करेंगे 2x के साथ, ये कट गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो क्या होगा 7x बटा 4 आया ना, तो इस तरह से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए हम गुना किए तो यहाँ 7 बटा 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है प्लस, और 5 को गुना करेंगे 7 से तो 7 पर से 35 बटा 8 हो जाएगा। अब इसको चीज चेंज करेंगे, माइनस से मैन प्लस है तो माइनस करेंगे, ये कट गया, ये 7x बटा 4, 7x बटा 4 यहाँ बचा क्या 1 बचा, क्या बचा 1, तो 1 यहाँ माइनस है माइनस 35 बटा 8, इसको लघुत्तम निकालेंगे तो 8 आएगा, 1 8 हो जाएगा तो 8 कम 8 माइनस 35 से 8 कम 8 तो 35 आ जाएगा, तो 35 में 8 घटाएंगे तो माइनस 27 बटा 8 ये आंसर हो जाएगा, माइनस 27 बटा 8। इस तरह से आपका पहला का सभी क्वेश्चन क्या किए, कंप्लीट किए। आप इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, बढ़िया से टफ है, रिवाइज कीजिएगा समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आसान है।
देखिए क्वेश्चन है दूसरा है एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ये को एक्स माइनस ये से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या शेषफल आता है सो देखिए, तो एक्स माइनस ये से भाग देंगे एक्स क्यूब माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ये, भागा दीजिए, यहाँ एक्स है माइनस ये, तो यहाँ एक्स क्यू लाना है, तो एक्स क्यू लाने के लिए हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तब ना एक्स क्यू आएगा, एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स क्यू आ जाएगा, क्यू है ये, और फिर है एक्स को हम माइनस माइनस ये से गुणा करेंगे तो क्या होगा ये एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चेंज कर देंगे, ये सब कट गया, कट गया, बचा क्या सिक्स एक्स माइनस ये। अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ प्लस है, प्लस यहाँ एक्स है तो छः से गुणा करेंगे, छः से गुणा करेंगे तो छः को सिक्स से गुणा करेंगे, सिक्स एक्स आ जाएगा, छः को हम गुणा करेंगे माइनस एक के साथ तो माइनस सिक्स ये हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस करेंगे, प्लस में माइनस कट गया, अब यहाँ देखिए छः प्लस में यहाँ माइनस में तो क्या होगा पाँच ये आ जाएगा, तो ये हो गया शेष फल, शेष फल ये आसान है, एकदम आसान है, बन गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि सात प्लस थ्री एक्स, एक थ्री एक्स क्यूब प्लस सात एक्स का गुणनखंड है या नहीं, तो पहले जानना है कि गुणनखंड है या नहीं, कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि पंद्रह है, क्या है पंद्रह है, तो पंद्रह तीन से भागा दे रहे पंद्रह में, तो तीन पंचे पंद्रह तो इकट गया जीरो आया शेषफल, तो बोलेंगे कि पंद्रह जो है तीन का गुणनखंड है, तो हाँ है क्योंकि तीन से भागा दिए पंद्रह में तो क्या आएगा जीरो आ गया, तो जीरो जब आया शेषफल जीरो आया तो वो गुणनखंड है। कहने का तात्पर्य ये हुआ ना कि यदि हम कोई भी चीज से भागा देंगे और जब वह भागा पूरा पूरी कट जाएगा मतलब शेषफल जीरो आएगा तो वह गुणनखंड होता है। तो यहाँ देखिए इतना से भागा देंगे इतना में, यदि वह पूरा पूरी से कट जाए मतलब शेषफल जो है तो जीरो आएगा तो हम समझेंगे कि वह गुणनखंड है। तो यहाँ बताना है गुणनखंड है या नहीं, तो देखिए सात सात प्लस थ्री एक्स से भागा देंगे एक्स थ्री एक्स क्यू प्लस सात एक्स में, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये आता है, देखिए यहाँ क्या है थ्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ थ्री एक्स है ना, इसको हम पलट देंगे बढ़िया से लिखेंगे तो यहाँ क्या करेंगे कि थ्री इसको पहले लिखते हैं थ्री एक्स प्लस सात, ठीक है, अब यहाँ देखेंगे यहाँ एक एक्स क्यू लाना है तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या होगा थ्री एक्स क्यू आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को सात से गुणा करेंगे तो सात एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब इसको चेंज करेंगे तो कट गया, यहाँ क्या होगा सात एक्स या माइनस सात एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब तो कोई जाएगा ही नहीं, भागा दे रहे हैं वो शेषफल जो है शून्य नहीं आ रहा है, ये जो शेषफल है शून्य नहीं है, इस कंडीशन के अनुसार वह गुणनखंड नहीं है, लिखेंगे अतः शेषफल शेषफल शून्य नहीं है, अतः यह गुणनखंड नहीं है, मतलब है ये जो है इतना का गुणनखंड नहीं है, ठीक है गुणनखंड नहीं है, बस यही आंसर होगा। तो बच्चों मैं आपको पूरा समझाने का कोशिश किया हूं, आप जरूर समझे होंगे, और अंत में एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, कॉमेडी क्वेश्चन है, फनी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है सुनिए ध्यान से, क्योंकि जीवन में खुशहाल रहना बहुत जरूरी है, तो खुशहाल आपको रखने की दृष्टि से हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जाते हैं 100 लोग लेकिन वापस आते हैं 99 लोग, तो आप किस जगह जाते हैं वहां से वापस आते हैं 99 लोग, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, से बताते रहे वो जगह का नाम है शमशान। थैंक यू, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मेरे चैनल पर बने रहें और पढ़ते रहिए, धन्यवाद।